आइए देखते हैं लव वाले का फोर फिफ्थ टाइम। देखिए यहाँ पर लिखा है एक व्यापारी किसी वस्तु को, दिखाई पड़ रहा, एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% डाल पर बेचता है, यदि उसने इस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 44 रुपये ज़्यादा मूल्य पर बेचता तब उसको 30% का फायदा होता है, तो बतलाइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% निकाला जाता है, ठीक है, क्रय मूल्य कितने निकाला जाता है 100% का। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा 20% हानि का मतलब 100 से माइनस करना, तो 100 से माइनस करिए कितना बचेगा 80 यहाँ बचेगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर क्या लिखा, इस वस्तु को 30% कम मूल्य पर बेचा जाता तो 30 ये भी 100 से घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा यहाँ बचेगा 70, ठीक 70 बचेगा। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर क्या लिखा है तथा 44 रुपये ज्यादा मूल्य पर बेचता, तो 44 रुपये ये पूरे रखे जाएंगे, ये तो 100 से घटेगा नहीं, परसेंट 100 में जुड़ता घटता है, इधर रख कर दिया, इधर लगा दिया परसेंट, ठीक कोई दिक्कत। इसके बाद आगे लिखा है तब उसको 30% का फायदा होता है, तो इसका मतलब है कि जब ये लिखा है किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है तब उस यदि उसने इस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 44 रुपये ज्यादा मूल्य पर बेचता तब कह रहा है इस पर 30% का और फायदा होता है, तो इसके नीचे 130 लिखा जाएगा हमेशा, ठीक। ये तो हुआ इसका लिखने का तरीका, पहले परसेंट जहाँ लिखा वैसे लिख दिया, दूसरा परसेंट यहाँ लिखा 20 30 100 से घटा के यहाँ रख दिया, इसके बाद रुपए पीछे रखे जाएंगे ये 100 से घटेंगे नहीं ना जुड़ेंगे। इसके बाद कह रहा है जब यहाँ से क्वेश्चन दूसरे टाइप का हो गया, यहाँ से लिखा है कह रहा है जब 30% कम मूल्य पर खरीदा जाता, 30% कम मूल्य पर मतलब 70 में खरीदा जाता, 44 रुपये ज्यादा मूल्य पर बेचता तब कह रहा है इस पर 30% का फायदा होता है, तो इसका मतलब ये होगा 80 वैसे लिख दो जैसे लिखा है, इसका मतलब होगा 70 का 130% निकालना पड़ेगा, तो 70 का ये नोट यहाँ नोट करके हमने लिख दिया है, 70 का 130% निकालना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा अपॉन 100 00 कट जाएगा, 13 कितना होता है इसका, इसमें मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 91 ये आएगा, ठीक। इधर हमने नोट लिख दिया है ये 91 कहाँ से आया, यहाँ से सवाल घूम गया, तो 70 का 30 निकाला ये आया, इसके बाद 44 ऐसे उतार दिया, ठीक। अब यहाँ लिखा है कम या ज्यादा में डिफरेंस निकाला जाता है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, तो 11% का मान तुम्हारा कितना निकला 44, तो एक का मान कितना होगा 44/11, वो हमने पहले बता दिया था क्रय मूल्य 100% निकाला जाता है, तो इसलिए 100% यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 = 400। आइए देखते हैं उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, अभी जैसा एक क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का उसी मेथड इसको भी होना चाहिए, ठीक। जैसे अभी क्वेश्चन बनाया था उसी प्रकार क्वेश्चन है तुम्हारा भी, देखो इसमें भी लिखा है प्रमोद एक पुस्तक खरीदता है एवं 10% लाभ पर बेचता है, ठीक 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसको 20% कम मूल्य पर खरीदता, ठीक ये लिखा है कि सबसे पहले 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसको 20% कम मूल्य पर खरीदता, क्या लिखा 20% कम मूल्य पर खरीदता और 144 रुपये ज़्यादा मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। वैसे बिल्कुल क्वेश्चन है उसी मेथड से आना चाहिए इसको भी, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ कितने परसेंट लिखा है, 10, तो ये कितना लिखा जाएगा 110 यहाँ लिख दिया हमने, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे फिर क्या लिखा है ये 110 लिख दिया 10% क्योंकि 10% लाभ है 110 कर दिया, फिर आगे लिखा है यदि वह इसको 20% कम मूल्य पर खरीदता तो दूसरे स्टेप में क्या लिखा जाएगा 80 बिल्कुल ठीक यहाँ से लिख दिया हमने, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे कह रहा है 144 रुपये ज्यादा मूल्य पर बेचता तो रुपए इधर रखे जाएंगे 144 इधर, कोई दिक्कत परीक्षा में ऐसे करना, वैसे तो एक 2.5 पेज का क्वेश्चन है तुम्हारा, यहाँ पर यहाँ कर दिया परसेंट लगा दिया, ठीक। फिर आगे चलेंगे यहाँ पर मूल्य पर बेचता है तब उसको 40% का लाभ होता है, तो 40% का लाभ ये कहाँ रखा जाएगा इसके नीचे रखा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन टूट गया तुम्हारा, तो ये 140% इस पर 80 पर 140% का फायदा हो रहा है, ठीक। तो 110 ऐसे लिख देंगे जैसे लिखा है, अब 80 का 140% निकालें तो इधर आ जाएगा 80 × 140/100, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करना आएगा आंसर, यहाँ 0 काट दो ये कितना होगा 14 × 8 करेंगे, यहाँ कितना आएगा 112 आ जाएगा, ठीक 14 8 112 ही होगा,
इसके बाद यहाँ परसेंट, यहाँ परसेंट, यहाँ लिख दिया 144। अब जब जब किसी भी क्वेश्चन में कम या ज्यादा लिखा होता है, अधिक लिखा होता है, तो हम यहाँ देखो ज्यादा लिखा है या कम लिखा होता है, तो इसका इसका डिफरेंस निकाला जाता है। इसमें कितने का अंतर है? दो का अंतर है। तो 2% बराबर 144 की, तो 1% बराबर 144 बटे 2, इसलिए 100% पर यहाँ 100 का गुणा कर देंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा? 7 × 14 × 2 × 4 इंटू 100 कितना आंसर हो जाएगा? 7200। ठीक, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये तुम्हारा क्रय मूल हो गया। क्रय मूल हमेशा 100% पर निकाला जाएगा। और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।